आगाज करें अहम खबर के साथ। लाहौर के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म से गर्म तर। रात 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पैगाम जारी हुआ, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया गया। साथ ही कारकुनों से कप्तान की रिहाइश का जमान पाक पहुंचने की अपील कर दी गई। कारकुन क़यादत के ऐलान पर जमान पाक पहुंच गए तो मीडिया से बातचीत में रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने हुकूमत को साथ तनकीद का निशाना बनाया। अपडेट करें, अहम खबर है। लाहौर के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म से गर्म तर। रात 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पैगाम जारी हुआ, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया गया। साथ ही कारकुनों से कप्तान की रिहाइश का जमान पाक पहुंचने की अपील की गई। कारकुन क़यादत के ऐलान पर जमान पाक पहुंच गए तो मीडिया से बातचीत में रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी और हमाद अजहर ने हुकूमत को साथ ही तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ खूब दिल की भड़ास निकाली और सुबह 6 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा फारूक हबीब की जानिब से ये ट्वीट की गई कि फवाद चौधरी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। उनकी जानिब से पुलिस की गाड़ियों की फुटेज भी शेयर की गई और साथ ही लिखा गया, ये गाड़ियां फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी को उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया गया, जो जमान पाक से अपने घर सुबह 5 बजे के करीब पहुंचे। फवाद चौधरी को थाना कोहिसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की दरख्वास्त गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मियाँ असलम से। अपडेट करें, इस हवाले से अहम खबर है। फवाद चौधरी को थाना कोहिसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से सियासी माहौल सरगर्म है और फवाद चौधरी को थाना कोहिसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की दरखास्त गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि फवाद चौधरी ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की। इन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। फवाद चौधरी ने तमाम सियासी कारकुनों के लिए आवाज़ उठाई, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं। इसलिए आज हम सबको इकट्ठे होना है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। तो तमाम वकला बरादरी, तमाम सहाफ़ी बरादरी, आज एक होने का वक्त आ गया है। इस जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म होना पड़ेगा। हमें यह भी बताया जाए कि क्या मुल्क के अंदर जमहूरियत का निज़ाम कायम है या बाकायदा मार्शल लॉ लग चुका है। पाकिस्तान का हर चौक तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है, जो आपने बुलंद रखा हुआ है, वो फवाद चौधरी की वजह से बुलंद नहीं है। ये मईशत जो आज जिसने डबोई है, उसका नाम फवाद चौधरी नहीं है। अगर आज इस मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं तो वो फवाद चौधरी ने मुसल्लत नहीं किए हैं। अगर आज इस मुल्क में हर बच्चा मुल्क के निज़ाम के ऊपर थू थू कर रहा है तो वो फवाद चौधरी का कसूर नहीं है। जिनका कसूर है हम सबको पता है। इसलिए गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर फवाद चौधरी को रहा किया जाए, फौरी तौर के ऊपर हमें इतला दी जाए कि वो कहाँ पर रखा है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ही देर में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देगी। गिरफ्तारी से पहले रात गए मीडिया से जमान पाक में गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि पुलिस कानून में रहकर अपना काम करे। इन्होंने ये भी धमकी दी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान इस वक्त जो एक मौशी बहरान का सामना कर रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम की मुआशी तौर के ऊपर कमर तोड़ दी गई है 9 महीनों में, एक ऐसे वक्त में जब हमारी मईशत मेल्ट डाउन हो गई है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? वो काम करें जो बोझ आप उठा सके। ये जो आपको चलाकियां सूझ रही हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और आप पाकिस्तान के अंदर एक फसायत कायम करेंगे, तरीके इंसाफ के कारकुन ये नहीं होने देंगे। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं उनको हम लॉकडाउन करेंगे। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला इनको वो रिएक्शन मिलेगा, वो रद्द अमल मिलेगा जो इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
अहम खबर दें, फवाद चौधरी को थाना को हिसार इस्लाम आबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की दरखास्त गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। मियाँ असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ असलम, बताइएगा क्या मुकदमा था और किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया? मियाँ असलम से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं, अपडेट करें। अहम खबर है, फवाद चौधरी को थाना कोहिसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की दरखास्त गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी। अपडेट करें इस हवाले से। अहम खबर है, फवाद चौधरी को थाना कोहिसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की दरखास्त गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई। मियाँ असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात उनसे जान लेते हैं। मियाँ असलम, बताइएगा क्या मामला है, कौन सा मुकदमा दर्ज था जिस पर गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, ये कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के थाना कोहसार में जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त जो है वो गुज़िश्ता रोज भेजी गई थी। उस दरखास्त पर जो है वो फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें बेस बनाया गया है कि फवाद चौधरी ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो कुछ नाजेबा अल्फाज अदा किए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल एक मुंशी की तरह किरदार अदा कर रहा है और इस तरह के मुबैना तौर पर जो इल्जाम आयद किए गए उन इल्जाम की जो है वो रात ही जो है वो FIR दर्ज की गई और उस FIR के दर्ज करने के फौरी बाद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के लोग जो है वो लाहौर पहुंचे और लाहौर में जो है वो जो लाहौर पुलिस है उनकी मुआवना से जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के अहम कायदीन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जुबान पारक पहुँच रहे हैं और उस थोड़ी देर में जो है वो अहम इजलास होगा और उस इजलास के फौरी बाद जो है वो कहा यह जा रहा है कि अगर रिहा ना किया गया फवाद चौधरी को तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया मियां असलम, तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। पीटीए अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे 4 मरहलों में मंजूर किए गए, पहले में 11, दूसरे में 13 और तीसरे मरहले में 35-35 और अब 43 इस्तीफे मंजूर किए गए। मजीद बताएंगे साकिब वेर्क। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका, स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जिन अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं उनमें रियाज फितियाना, हाजी इम्तियाज चौधरी, लाल चंद, नौशीन हामिद, मुनिजा हसन, साइमा नदीम, ताजफीन सफदर और दीगर शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हाल या कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ के 113 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए हैं। जराए के मुताबिक इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। अरकान तालिब नकई और प्रिंस नवाज अलाई के इस्तीफे छुट्टी की दरख्वास्त की वजह से मंजूर नहीं किए गए। पीर को PTI अराकीन कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई थी कि अगर स्पीकर इनके इस्तीफे मंजूर करते हैं तो हमें डी नोटिफाई न किया जाए। मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ के मजमुई तौर पर 123 इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के IMF जायजा मिशन से वर्चुअल मुजाकरात शुरू हो गए, पाकिस्तान तमाम शराइत मानने को तैयार हो गया। IMF का कहना है डॉलर की कीमत को ना रोका जाए, मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई। तफसीलात बताएंगे अरशाद अंसारी। पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत मानने को तैयार हो गया, गैस जल्द महंगी करने और पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के IMF जायजा मिशन के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल और इक्तिसादी इशारियों बारे ब्रीफिंग दी गई। रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ भी पूरा करने का बताया गया। पाकिस्तानी वफ्द ने गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले से आगाह किया। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी मरहलावार बढ़ाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी को मस्नूई तरीके से ना रोका जाए, बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाए, टैक्स का GDP तनासुब बढ़ाने के इकदाम किए जाएँ, मुख्तलिफ शोबों के इस्तिस्ना भी खत्म किए जाएँ। ज़राए का कहना है कि IMF की शरायत पर मिनी बजट की तैयारी शुरू कर दी गई, मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है, मुतअद्दिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगाने का भी इम्कान है, नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी है, योमिया 50,000 रुपये से ज़्यादा की बैंक ट्रांजेक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद होगा,
IMF जायजा मिशन की आमद से पहले ही शरायत पूरी करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम नए टैक्स लगाने की खबर सुनकर फट पड़े। हर चीज खाने पीने के पहले थोड़ी महंगी हुई है, जो भी चीज ले रहे हैं हर चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। महंगाई ऑलरेडी बहुत है, आगे रमजान भी है, इनको चाहिए कि आवाम का ख्याल करें। वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद तवक्को की जा रही है रवां हफ्ते IMF से शेड्यूल बारे अहम पेशरफ्त होगी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए आसान शराइत पर कर्जे देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई कुर्बान कर दूंगा। तफसील बताएंगे खालिद महमूद। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए कर्जों का ऐलान कर दिया। 5 लाख से लेके 75 लाख तक ये स्कीमें नौजवानों के लिए होंगी। 5 लाख तक वो इंटरेस्ट फ्री होगा, उसके ऊपर कोई सूद नहीं लिया जाएगा और वो 3 साल उसका पे बैक है। 5 से 15 लाख तक 5% इंटरेस्ट होगा और उसकी जो मुद्दत है पे बैक वो 7 साल होगी। शहबाज शरीफ बोले मुल्क को बचाने के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आज़म ने अवाम को मुश्किल हालात से निकलने की उम्मीद भी दिलाई। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में हमने ये जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी हिम्मत जो है बिल्कुल अपनी जगह जवां है, मजबूत है और मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला किया तो हुक्म इम्तना ले लिया गया। तकरीब से गवर्नर स्टेट बैंक और मुआवन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने भी खिताब किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में बिजली के तवील ब्रेक डाउन के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद की जा रही है। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुँच गया। अहवाल बताएंगे जैगम नकवी। ब्रेक डाउन की आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली के ब्रेक डाउन के बाद अब तक मुल्क में बिजली की तरसील मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी, जिसके बाद टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस अब भी मुतासर है। बिजली लोड शेडिंग से सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना है। रोजमर्रा की जितनी भी मसरूफियात हैं उनमें बहुत बड़ा खलल आया है, तो इसका फौरी तौर पे कोई ना कोई हल होना चाहिए। बार बार आने जाने से जाहिर है कि फ्रिज वगैरह जो है LCG वगैरह वो जल रही है। बिजली का ब्रेक डाउन कैसे हुआ? वज़ीर आज़म शदीद गुस्से में आ गए। काबीना इजलास में शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने पावर ब्रेक डाउन पर कौम से माजरत कर ली। कहा बिजली जाने की जहमत पर शर्मिंदा है। जिला तवानाई खुरम दस्तगीर ने मुल्क में बिजली बहाल करने का दावा कर दिया। सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया तकनीकी फॉल्ट को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अब कुछ बात की जाए मौसम की तो KP, बलाई पंजाब और कश्मीर में कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात वालों का कहना है आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शुमाली मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क में सबसे ज़्यादा सर्दी एक बार फिर लेह में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -14 और कल्लात में -9 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -6, कराची में 8, लाहौर में भी 8, इस्लामाबाद में 4 और पेशावर में 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी कुमराट, लवारी टनल, कल्पानी, शाही बनशाही, लड़म तक कई फिट तक बर्फबारी हो चुकी। बर्फबारी की वजह से बलाई इलाकों की सड़कें बंद हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कलाम, बहरेन, महुडंड और दीगर इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अमरीकी आलमी इदारा शुमारियात वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स ने ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले 10 अकाउंट्स की फहरिस्त जारी की है, जिसमें पहले नंबर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा जबकि 8वें नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ट्विटर अकाउंट 13,35,00,000 फॉलोअर्स के साथ सरे फहरिस्त है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क 12,65,00,000 से जायद फॉलोअर्स के साथ फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। मशहूर अमरीकी गुलकार जस्टिन बीबर 11,30,00,000 से जायद फॉलोअर्स रखने वाले तीसरे बड़े सारिफ हैं।
अमरीकी गुलुकारा कैटी पेरी का इस फहरिस्त में चौथा नंबर है, जिनके फॉलोअर्स की तादाद 10 करोड़ 80 लाख से जायद है। बारबाडोस से ताल्लुक रखने वाली मशहूर गुलुकारा और अदाकारा रिहाना 10 करोड़ 75 लाख से जायद फॉलोअर्स के साथ इस फहरिस्त में पांचवें नंबर पर नजर आ रही हैं। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़ी तादाद में फॉलोअर्स रखने वाली छठी बड़ी शख्सियत हैं। ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स की तादाद 10 करोड़ 70 लाख से जायद है। अमरीकी गुलुकारा टेलर स्विफ्ट को 9 करोड़ 20 लाख से जायद ट्विटर फॉलोअर्स रखने वाली सातवीं बड़ी ट्विटर सारिफ करार दिया गया। फॉलोअर्स की तादाद के लिहाज से वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इस फहरिस्त में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ आठवें नंबर पर हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ फहरिस्त में नवा नंबर है। अमरीकी आलमी इदारा शुमारियात वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जारी करदा फहरिस्त में मशहूर अमरीकी गुलुकारा लेडी गागा 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स रखने के बायस 10वीं बड़ी ट्विटर